तो दोस्तों, किस प्रकार से ट्विटर जो है वो राइट विंग के जो हैंडल्स हैं उनको डिलीट कर रहा है, और किस प्रकार से उसने माना है कि ट्विटर के जो हेड हैं, ट्विटर का जो स्टाफ है वो लेफ्ट लीनिंग है, ये एक अलग बात है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि ट्विटर के सीईओ और को फाउंडर जैक डॉर्सी वो भारत आते हैं और मिलते हैं राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी के साथ मिलकर वो एक डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन का नाम होता है फेक न्यूज़ पर कैसे कंट्रोल लगाया जाए। जी हाँ, ये डिस्कशन का पॉइंट होता है। ये हास्यास्पद है। हास्यास्पद क्यों है, इसको जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। तो दोस्तों, जैक डॉर्सी जो कि सीईओ हैं ट्विटर के, उनका मिलना और डिस्कस करना कि फेक न्यूज को कैसे रोका जाए, वो भी राहुल गांधी से, ये हास्यास्पद क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस शायद सबसे ज्यादा फेमस है झूठ फैलाने में सोशल मीडिया पर। हम यदि इस वीडियो में उनके सारे झूठ को पकड़कर आपको दिखाने लगे तो ये वीडियो कई दिन तक चल सकता है। लेकिन हम सिर्फ उनके जो सोशल मीडिया के हेड है, जिनका नाम है दिव्या स्पंदाना, उनके द्वारा बोले गए कुछ झूठ आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि किस प्रकार से इस वीडियो में दिव्या स्पंदाना लोगों से कह रही हैं, एक ये भव्य मंच लग रहा है, एक अच्छा होटल लग रहा है, उसके अंदर ये स्पीच चल रही है कि आप फेक अकाउंट्स बनाइए, फेक अकाउंट बनाना कुछ गलत नहीं है। एक तरीके से वो लोगों को कह रही हैं कि फेक अकाउंट बनाइए। उसके बाद क्या होता है, उन अकाउंट से ट्रोलिंग होती है, फेक रीट्वीट्स किए जाते हैं, क्योंकि रीट्वीट का नंबर बहुत मैटर करता है। अचानक से राहुल गांधी के रीट्वीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और उसके बाद पता चला था कि बॉट्स वो रीट्वीट कर रहे हैं। तो ये खुद बोल रही हैं दिव्या स्पंदाना। जिन लोगों को कन्नड़ा भाषा आती है उनको ये समझ आ जाएगा, जिन लोगों को नहीं आती उनके लिए हम इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सुनिए। Welcome you all. Okay, ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ನಿಮ್ದು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಶ್ರೀಮಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಏನು ಮೇಲ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀವತ್ಸನ್ ಹೆಸರು. ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದು ಬಾಟ್ಸ್, ಬಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೋಬಾಟ್ ಮಷೀನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎನಿ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಇಟ್ಸ್ ಎನಿ ರಾಂಗ್ ಟು ದುಡ್? ನನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ, ದಿವ್ಯಾ ಸ್ಪಂದನಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೀಗೋಸ್ಕರ ನೀವೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಕೂತಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ ಅಪ್ ಟು ಮಂಡ್ಯ ಬೂತ್ ನಂಬರ್ 1. इसके बाद आगे आपको दिख रहा होगा द हिंदू न्यूज़पेपर की ये कटिंग दिख रही होगी, जिसमें कि नरेंद्र मोदी का फोटो है, उसके साइड में ग्रीन कलर के ऊपर लिखा हुआ है व्हाइट फ़ॉन्ट्स में फॉर अ करप्शन फ्री स्टेट, ये लिखा हुआ है। लेकिन दिव्या स्पंदाना बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से इसको फोटोशॉप कर देती हैं। जी हाँ, ये फोटोशॉप करने का काम भी करती हैं, ये काम अक्सर ट्रोल्स किया करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की हेड दिव्या स्पंदाना खुद ये काम करती हुई दिखाई दे रही है, यानी फोटोशॉप कर रही हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने फ्री हटा दिया है और लिख दिया है फॉर अ करप्शन स्टेट, यानी करप्शन से युक्त स्टेट के लिए नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमें चुना जाए। ये फोटोशॉप का एक बहुत ही बेकार नमूना है, क्योंकि वहां पर आप देख सकते हैं कुछ वाइट वाइट ब्लरिंग करने के लिए कुछ इफेक्ट डाला गया है, स्क्वेयर वो दिख रहा है रेक्टेंगुलर आकार में। लेकिन किस प्रकार से ये आईटी सेल का एक हेड काम करे,
तो आपको क्या लगता है उस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा मीटिंग हो रही है ट्विटर के सीईओ के साथ, और वो किस मुद्दे पर हो रही है कि फेक न्यूज़ को कैसे हटाया जाए। तो ये आईटी सेल के हेड का काम हमने आपको दिखाया है। अब आप देखिए कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से किस प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन भारत के लोगों को दी जाती हैं। इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 1984 में, लेकिन अधिकांश भारतीय अपनी रोजी रोटी की लड़ाई में ये चीजें भूल जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने गांधी नेहरू फैमिली की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनको एक नया नाम, उनके नाम के आगे एक नया तमगा लगाते हुए बंगाल में विद्यासागर सेतु नाम से एक ब्रिज है, उसका उद्घाटन 1992 में हुआ था, वो भी इंदिरा गांधी से करवा दिया, जबकि इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हो गई थी। ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का धंधा कांग्रेस बहुत बखूबी कर रही है। अगर हम इस वीडियो में सारी मिस इन्फॉर्मेशन आपको बताने लगें तो शायद दिन का दिन बीत जाए इस वीडियो में। आईटी सेल की जो अध्यक्षा है दिव्या स्पंदाना, कांग्रेस का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उनको हमने इस गिनती में लिया है। यदि हम राहुल गांधी के अकाउंट को लेने लग जाएं या फिर हम कांग्रेस पार्टी के अन्य लीडर्स को लेने लग जाएं तो ये वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। अब आप खुद ही निर्णय ले लीजिए कि ट्विटर क्यों मिल रहा है राहुल गांधी के साथ, ये आप खुद निर्णय ले सकते हैं। हम एक बहुत सनसनीखेज एक्सपोजे लेकर आने वाले हैं ट्विटर पर कि किस प्रकार से ट्विटर एंटी इंडिया गतिविधियों में लिप्त हो सकता है। हम इसके पूरे प्रूफ के साथ आपको एक दो दिन में ये वीडियो दिखाएंगे। आप तब तक इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में हमें लिखकर बताइए कि क्या राहुल गांधी और ट्विटर सीईओ उनकी मीटिंग कुछ कहती है। यदि आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका कि एड्रेस है आई बटन में या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, ट्विटर और फेसबुक पर हमें फॉलो करिए, जिसका कि आपको एड्रेस मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है।